शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अलिफ लाम रा, ये अल्लाह की किताब और कुरान रोशन की आयतें हैं। किसी वक्त काफिर लोग आरजू करेंगे कि ऐ काश वो मुसलमान होते। ए नबी, उनको उनके हाल पर रहने दो कि खा पी लें और फायदे उठा लें, और लंबी लंबी आरजुएं उनको दुनिया में मशगूल किए रखें। आखिरकार उनको इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। और हमने कोई बस्ती हलाक नहीं की मगर उसका वक्त मुकर्रर लिखा हुआ था। कोई उम्मत अपनी मुद्दत मुकर्रर से न आगे निकल सकती है और न पीछे रह सकती है। और कुफार कहते हैं कि ऐ शख्स जिस पर नसीहत की किताब नाजिल हुई है, तू तो दीवाना है, अगर तू सच्चा है तो हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं ले आता। कह दो, हम फरिश्तों को नाजिल नहीं किया करते मगर हक के साथ, और उस वक्त उनको मोहलत नहीं मिलेगी। बेशक ये किताब नसीहत हम ही ने उतारी है और यकीनन हम इसके निगहबान हैं। और हमने तुमसे पहले के मुख्तलिफ ग्रोहों में भी पैगंबर भेजे थे और उनके पास कोई पैगंबर नहीं आता था मगर वो उसके साथ हंसी करते थे। इसी तरह हम इस गुस्ताखी को गुनाहगारों के दिलों में डाले रखते हैं सो वो उस पर ईमान नहीं लाते। और पहले लोगों की रविश भी यही रही है। और अगर हम आसमान का कोई दरवाजा उन पर खोल दें और वो उसमें चढ़ने भी लगे तो भी वो यही कहें कि हमारी आंखें बांध दी गई हैं, बल्कि हम पर जादू कर दिया गया है। और हमने आसमान में बुर्ज बनाए हैं और देखने वालों के लिए उसको सजा दिया है और हर शैतान मर्दूद से उसे महफूज कर दिया है। हाँ, अगर कोई चोरी से सुनना चाहे तो एक रोशन अंगारा उसके पीछे लपकता है। और जमीन को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ बनाकर रख दिए और उसमें हर एक चीज अंदाजे से उगाई। और हमने तुम्हारे लिए और उन लोगों के लिए जिनको तुम रोजी नहीं देते इसमें माश के सामान पैदा किए। और हमारे यहां हर चीज के खजाने हैं और हम उसको बमिकदार मुनासिब उतारते रहते हैं। और हम हवाएं चलाते हैं जो पानी से भरी हुई होती हैं, सो हम आसमान से मेह बरसाते हैं, फिर हम तुमको उसका पानी पिलाते हैं और तुम तो उसका खजाना नहीं रखते। और यकीनन हम ही हयात बख्शते और हम ही मौत देते हैं और हम ही सबके वारिस होंगे। और जो लोग तुम में पहले गुजर चुके हैं हमको मालूम है, और जो पीछे आने वाले हैं वो भी हमको मालूम है। और तुम्हारा परवरदिगार कयामत के दिन उन सबको जमा करेगा, वो बड़ा दाना है खबरदार है। और हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से पैदा किया है और जिन्नों को उससे भी पहले बेधुएं की आग से पैदा किया था। और वो वक्त काबिले जिक्र है जब तुम्हारे परवरदिगार ने फरिश्तों से फरमाया था कि मैं खनखनाते सड़े हुए गारे से बशर बनाने वाला हूं, बस जब मैं उसको दुरुस्त कर लूं और उसमें अपनी तरफ से रूह फूंक दूं तो उसके आगे सजदे में गिर पड़ना। चुनाचे फरिश्ते तो सब के सब सजदे में गिर पड़े मगर शैतान के उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार किया। फरमाया, ए इबलीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों में शामिल न हुआ? उसने कहा, मैं ऐसा नहीं हूं कि इंसान को जिसको तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से बनाया है सजदा करूं। फरमाया, यहां से निकल जा कि अब तू मर्दूद है और तुझ पर कयामत के दिन तक लानत बरसेगी। उसने कहा कि परवरदिगार मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब लोग मरने के बाद जिंदा किए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, सो तुझे मोहलत दी जाती है वक्त मुकर्रर यानी कयामत के दिन तक। उसने कहा कि परवरदिगार जैसा तूने मुझे भटका दिया है मैं भी जमीन में लोगों के लिए गुनाहों को आरास्ता करके दिखाऊंगा और सबको बहकाऊंगा। हां, उनमें जो तेरे खास बंदे हैं उन पर मेरा काबू चलना मुश्किल है। फरमाया कि मुझ तक पहुंचने का यही सीधा रास्ता है, जो मेरे खास बंदे हैं उन पर तुझे कुछ कुदरत नहीं कि उनको गुनाह में डाल सके। हां, बदराहों में से जो तेरे पीछे चल पड़े, और उन सबके वादे की जगह जहन्नम है। उसके सात दरवाजे हैं, हर एक दरवाजे के लिए उनमें से अलग अलग हिस्सा है। जो मुत्तकी हैं वो बागों और चश्मों में होंगे। उनसे कहा जाएगा कि उनमें सलामती और अमन इत्मीनान से दाखिल हो जाओ, और उनके दिलों में जो कदूरत होगी हम उसे निकाल देंगे। गोया भाई भाई मसनदों पर एक दूसरे के सामने बैठे हों, न उनको वहां कोई तकलीफ पहुंचेगी और न वो वहां से निकाले जाएंगे। ऐ पैगंबर, मेरे बंदों को बता दो कि मैं बड़ा बख्शने वाला हूं, बड़ा मेहरबान हूं, और यह कि मेरा अजाब भी दर्द देने वाला अजाब है। और उनको इब्राहिम के मेहमानों का अहवाल सुना दो,
जब वो इब्राहिम के पास आए तो सलाम कहा। उन्होंने कहा कि हमें तो तुमसे डर लगता है। मेहमानों ने कहा कि डरिए नहीं, हम आपको एक दानिशमंद लड़के की खुशखबरी देते हैं। वो बोले कि जब मुझे बुढ़ापे ने आ पकड़ा तो तुम खुशखबरी देने लगे, अब काहे की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा कि हम आपको सच्ची खुशखबरी देते हैं, सो आप मायूस न हो। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह की रहमत से मायूस होना तो गुमराहों का काम है। फिर कहने लगे कि फरिश्तो तुम्हारा असल काम क्या है? उन्होंने कहा कि हम एक गुनाहगार कौम की तरफ भेजे गए हैं कि उसको अजाब करें, मगर लूत के घर वाले कि उन सबको हम बचा लेंगे, अलबत्ता उनकी बीवी के उसके लिए हमने ठहरा दिया है कि वो पीछे रह जाएगी। फिर जब फरिश्ते लूत के घर आए तो उन्होंने कहा कि तुम तो नाशना से लोग हो। वो बोले कि नहीं, बल्कि हम आपके पास वो चीज लेकर आए हैं जिसमें लोग शक करते थे, और हम आपके पास यकीनी बात लेकर आए हैं और हम सच कहते हैं। तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए। और हमने लूत की तरफ वही भेजी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी। और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए। लूत ने कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, कहीं इनके बारे में मुझे रुसवा ना करना, और अल्लाह से डरो और मेरी बेआबरूई ना करो। वो बोले, क्या हमने तुमको सारे जहान की हिमायत और तरफदारी से मना नहीं किया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी कौम की लड़कियां हैं, इनसे शादी कर लो। ए नबी, तुम्हारी जान की कसम, वो अपनी मस्ती में मदहोश हो रहे थे, सो उनको सूरज निकलते निकलते चिंगार ने आ पकड़ा, और हमने उन बस्तियों को उलटकर नीचे ऊपर कर दिया और उन पर खंगर की पथरियां बरसाईं। बेशक इस किस्से में अहले फरासत के लिए निशानी है, और वो बस्तियां अब तक शाम जाने वाले सीधे रास्ते पर मौजूद हैं। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानी है। और बन के रहने वाले यानी कौम शुएब के लोग भी गुनाहगार थे, तो हमने उनसे भी बदला लिया, और ये दोनों शहर खुले रास्ते पर मौजूद हैं। और वादी हिजर के रहने वालों ने भी पैगंबरों की तकजीब की, हमने उनको अपनी निशानियां दी और वो उनसे मुंह फेरते रहे, और वो पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते थे कि अमनो इत्मीनान से रहेंगे। आखिर जोरदार आवाज ने उनको सुबह होते होते आ पकड़ा, और जो काम वो करते थे वो उनके कुछ भी काम ना आए। और हमने आसमानों और जमीन को और जो मखलूकात उनमें है सबको तदबीर के साथ पैदा किया है, और कयामत तो जरूर आकर रहेगी, तो तुम उन लोगों से अच्छी तरह से दरगुजर करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार ही सब कुछ पैदा करने वाला है, जानने वाला है। और हमने तुमको सात आयतें जो नमाज में दोहरा कर पढ़ी जाती हैं, यानी सूरह अलहम्द और अजमत वाला कलाम अता फरमाया है। हमने कुफार की कई जमातों को जिनको फवायद दुनियावी से नवाजा है, तुम उनकी तरफ रगबत से आंख उठा कर न देखना, और न उनके हाल पर रंजो गम करना, और मोमिनों के साथ तवाजो से पेश आना, और कह दो कि मैं तो आलानिया डर सुनाने वाला हूं, और हम इन कुफार पर उसी तरह अजाब नाजिल करेंगे जिस तरह उन लोगों पर नाजिल किया जिन्होंने तकसीम कर दिया, यानी कुरान को कुछ मानने और कुछ न मानने से टुकड़े टुकड़े कर डाला। सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम उनसे जरूर पुरसिश करेंगे उन कामों की जो वो करते रहे। बस जो हुक्म तुमको अल्लाह की तरफ से मिला है वो लोगों को बेधड़क सुना दो, और मुशरिकों का जरा ख्याल ना करो। हम तुम्हें उन लोगों के शर से बचाने के लिए काफी हैं जो तुमसे हंसी करते हैं, जो अल्लाह के साथ कोई और माबूद करार देते हैं, सो अनकरीब उनको उन बातों का अंजाम मालूम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि उनकी बातों से तुम्हारा दिल तंग होता है, तो तुम अपने परवरदिगार की तस्बीह कहते और उसकी खूबियां बयान करते रहो, और सजदा करने वालों में से हो जाओ, और अपने परवरदिगार की इबादत किए जाओ यहां तक कि तुम्हारी मौत का वक्त आ जाए।